मैं बीए फिलॉसफी ऑनर्स थर्ड ईयर की छात्रा हूँ और आज मैं डॉक्टर राजेश कुमार त्रिपाठी सर, जो कि दर्शन शास्त्र विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और इनकी ज्योतिष विज्ञान में विशेषज्ञता भी है, मैं आज इनके साथ 28वीं की रात्रि में लगने वाले चंद्र ग्रहण के परिप्रेक्ष्य में बात कर रही हूँ। ग्रहण को एक तरह की समस्या के रूप में देखा जाता है, चाहे वो जीवन में हो या ग्रह के अंतर्गत हो। सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण, इन सब विषयों के परिप्रेक्ष्य में आज मैं डॉक्टर राजेश सर से प्रश्नोत्तर के माध्यम से इन पे चर्चा करूंगी। तो सर, ग्रहण होता क्या है और क्यों लगता है? इसके ऐतिहासिक या पौराणिक क्या व्यूज हैं? जैसे कि जब भी हम ग्रहण पे बात करते हैं तो हमारे समक्ष एक ही प्रश्न आता है कि ग्रहण होता क्या है और ये ग्रहण सूर्य और चंद्रमा पे ही क्यों अप्लीकेबल है, बाकी ग्रहों पे क्यों नहीं? तो प्रायः इसके उत्तर में यही निकलता है कि आकाश तत्व के दो राजा हैं सूर्य और चंद्रमा, और इनका हमारे ऊपर डायरेक्ट प्रभाव भी पड़ रहा होता है, क्योंकि हम इन्हें अपने डेली की लाइफ में देख रहे होते हैं, इन्हें जान रहे होते हैं, चंद्रमा की गति भी समझ रहे हैं, जान रहे हैं, और उसी के अनुसार हम उसका अवलोकन भी कर रहे होते हैं कि ये सारी व्यवस्था हमारे समकक्ष अनंतर क्रमिक रूप से चल रही होती है, चाहे वो मानसागरी हो, मुहूर्त चिंतामणि हो, जातक वर्णम हो, निर्णय सिंधु हो, चाहे अथर्ववेद, इन सब में ग्रहण की चर्चा मिलती है। और प्रायः ग्रहण के बारे में ये कहा जाता है कि जब भी चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो चंद्र ग्रहण लगता है। तो जाहिर सी बात है, बहुत से वैज्ञानिक इसे खगोलीय प्रक्रिया मानते हैं, लेकिन ये कहा जा सकता है कि चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण खगोलीय प्रक्रिया होने के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हमारे जीवन में कहीं ना कहीं परिवर्तन का भी सूचक है। और ये कहा जा सकता है कि ग्रहण समस्या भी है, समाधान भी है, लेकिन अलग अलग जगहों पे, अलग अलग परिदृश्यों में अलग अलग परिणाम तय करता है। तो सर, जैसे राहु की भूमिका मुख्य होती है, इसकी उत्पत्ति किस प्रकार होती है और इसके प्रभाव के बारे में कैसे जाना जा सकता है? देखिए, जब भी हम ये देखते हैं कि विष्णु पुराण में इसका उल्लेख मिलता है कि जब समुद्र मंथन हुआ तो समुद्र मंथन में मंद्राचल और वासुकी दो की भूमिका बहुत प्रमुख रही, और समुद्र मंथन में जब अमृत उत्पन्न हुआ तो अमृत के डिस्ट्रीब्यूशन को लेके देवताओं और राक्षसों में बहुत ज्यादा गतिरोध उत्पन्न हुआ और ये दोनों अमृत का पान करना चाहते थे, लेकिन नियमतः यह देखा जाए कि देवता ही चाहते थे कि अमृत पान कर लिया जाए, लेकिन राहु ने जब अमृत पान किया तो सूर्य और चंद्रमा ने इंडिकेट कर दिया विष्णु की तरफ और उन्होंने बताया कि ये राक्षस है। राहु सर के हिस्से का नाम है और धड़ के हिस्से का नाम केतु पड़ा। अब इस तरीके से देखा जाता है कि जब भी हम इस पे परिचर्चा कर रहे होते हैं तो विभिन्न प्रकार की एग्जाम्पल हमारे सामने आ भी रहे होते हैं, लेकिन प्रायः जो एक समझने की बात होती है उसमें ये देखा जा सकता है कि राहु जब चंद्रमा या सूर्य को ग्रसता है तो जाहिर सी बात है बस केवल उसके पास सर है, धड़ तो है नहीं, तो ग्रसने के उपरांत तो वह तुरंत बाहर निकल जाता है, अर्थात ग्रह जो सूर्य और चंद्रमा है बाहर निकल जाते हैं, अर्थात उन्हें पूरी तरह से ग्रस नहीं पाता। और वैसे भी भारतीय ज्योतिष परंपरा में राहु और केतु छाया ग्रह हैं जो कि ग्रहण में अपनी प्रमुख भूमिका निभाते हैं, ग्रसने का काम करते हैं, और यह प्रक्रिया सतत अनवरत नहीं चलती, कभी कभार यानी कि जब भी ग्रह की स्थिति ऐसी बने जो राहु और चंद्रमा के साथ, राहु सूर्य के साथ या केतु का प्रवेश हो जाए तो फिर ग्रहण की उत्पत्ति होती है, अर्थात ग्रहण लगता है। तो सर, क्या यहाँ पे कोई शास्त्रीय उदाहरण है जिसके माध्यम से ये जाना जा सके कि ग्रहण समस्याओं को जन्म देता है? रामायण के 23वें सर्ग में जब हम देखने का प्रयास करते हैं तो वाल्मीकि जी ने लिखा है कि जब उस समय पूर्ण सूर्य ग्रहण लगा हुआ था तो खर नामक राक्षस से भगवान राम का युद्ध हुआ। पूर्ण रूप से सूर्य ग्रहण लगा
महाभारत का युद्ध हुआ जो कि 18 दिनों तक चला। अभी गत अमावस्या, पिछले अमावस्या को सूर्य ग्रहण लगा था, लेकिन वो भारत में दृश्य नहीं था। अब चंद्र ग्रहण 28 अक्टूबर को रात्रि में लग रहा है। अब ये पता चल रहा है कि चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण दोनों एक ही महीने में लग रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसका परिणाम अलग तरीके का अर्थात किसी ना किसी रूप में विध्वंसकारी या नाश करने वाला होता है, क्योंकि ये चीजें प्रायः हमारे इतिहास या पुराण के माध्यम से भी उदाहरणों द्वारा समझी जा सकती हैं, जो कि महाभारत जैसे युद्ध, जो कि उस समय का विश्व युद्ध से भी बड़ा युद्ध हुआ था और एक नैतिक मानदंडों के आधार पर वह युद्ध लड़ा गया था और 18 दिन में ही वो निर्णायक था। अभी हमने कल न्यूज में सुना कि 18वां दिन अर्थात जो आपस में लड़ रहे हैं हमास और इसराइल, 18 दिन निकल चुके हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसी परंपरा भी बनी हुई है कि ग्रह ग्रहण के माध्यम से किसी ना किसी सूचना से हमें अवगत करवा रहे होते हैं। तो सर, चंद्र ग्रहण से क्या नुकसान हो सकता है? अभी जो आगामी 28 अक्टूबर को लगने वाला है, इसके समाधान पे थोड़ा प्रकाश डालें। देखिए, जब भी चंद्रमा की रोशनी हमारे ऊपर पड़ती है तो हम कहते हैं कि चंद्रमा का प्रकाश हमारे ऊपर आ रहा है, लेकिन नियमतः यह देखा जाए कि ग्रहों में सबसे अधिक प्रकाशमान ग्रह सूर्य है और सूर्य की किरणें चंद्रमा पे पड़ रही होती हैं और वही परावर्तित होती हैं। यास्क ने निरुक्त में भी इसकी चर्चा की है। और उसके उपरांत हम देखते हैं कि जब भी ग्रहण की बात आती है तो सूर्य आत्मकारक है और चंद्रमा मन का कारक है। मनसो जातः चंद्रमा, मन का कारक होने की वजह से सारी गतिविधि हमारी मन के द्वारा संपन्न होती है। मन से ही हम कमजोर होते हैं, मन से ही मजबूत होते हैं, मन से ही निर्णय लेते हैं और मन से ही किसी भी कार्य में संलग्न होते हैं। तो जाहिर सी बात है कि मन अगर हमारा पूर्णतः स्वस्थ है, किसी भी गतिविधि में बहुत ही सटीक पैमाने के साथ लगा हुआ है, तो कहते हैं परिणाम भी उसी अनुरूप। लेकिन जब भी हम चंद्रमा जैसे ग्रह की बात कर रहे होते हैं तो चंद्रमा चूंकि 27 नक्षत्रों में रमण कर रहा होता है और उन्हीं नक्षत्रों के माध्यम से राशियों का निर्माण होता है, अर्थात तो 12 राशियां हैं। चंद्रमा अपनी गतिविधि के अनुसार ही समस्त प्रक्रिया को तय कर रहा होता है, अर्थात तिथियों का निर्धारण भी उसी की गति के अनुसार तय हो रहा होता है। इसीलिए हम आकाश मंडल में जब देख रहे होते हैं तो प्रायः बता भी देते हैं कि आज शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा है, कल अष्टमी है, कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि है। तो चंद्रमा की गति के अनुसार ही हम तिथियों को भी निर्धारित कर देते हैं और ये प्रकाश हम देखते हैं कि चंद्रमा पे कभी भी पूर्ण रूप से नहीं पड़ रहा होता है, अर्थात पृथ्वी की छाया उस पर निरंतर पड़ रही होती है अमावस्या और पूर्णिमा को छोड़ के। इस तरीके से कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं चंद्रमा सीधे तौर पे तिथि, नक्षत्र और इन खगोलीय व्यवस्था में अपनी प्रमुख भूमिका निभा रहा होता है। तो सर, भारतीय ज्योतिष परंपरा में राशियों का बहुत महत्वपूर्ण रोल है, ये चंद्र ग्रहण हर राशियों के ऊपर क्या प्रभाव डालेगा? देखिए, जब भी हम राशियों की बात करते हैं तो भारतीय ज्योतिष परंपरा या वैश्विक ज्योतिष परंपरा 12 राशियों में विभक्त है और ये एक इतना बड़ा फॉर्मूला है कि जिसमें कहीं भी कुछ चेंजेस भी नहीं कर सकता और जो कि मेष से लेकर मीन तक चलती है और यह इस तरीके से 27 है। जब भी हम इनकी गणना कर रहे होते हैं तो प्रायः फल के अनुसार मेष पे घात है, वृष राशि पे हानि है, मिथुन पर लाभ है, कर्क पे सुख है, सिंह पे मान नाश, कन्या पर मृत्यु तुल्य कष्ट है, तुला पर स्त्री पीड़ा, वृश्चिक पर सौख्य है, धनु पर चिंता, मकर पर व्यथा और कुंभ पर श्री है, मीन पर क्षति है। अर्थात कहा जा सकता है कि मिथुन, कर्क, वृश्चिक और कुंभ इन चार राशियों के अतिरिक्त बाकी राशियों के लिए यह किसी ना किसी प्रकार से नुकसान देने वाला है। ग्रहण का जो काल होगा वह 28 की रात्रि, अर्थात इंग्लिश कैलेंडर की बात करें तो 12 बजे हमारी तारीख बदल जाती है, तो जिसमें यह देखा जा सकता है कि मध्य रात्रि के बाद 29 लग चुका होगा, अर्थात
हम भारतीय पांचांग के अनुसार तो 28 की रात्रि ही मानेंगे, तो 1:05 पर ग्रहण का स्पर्श काल होगा, रात्रि 1:44 पे ग्रहण का मध्यकाल और 2:24 पे ग्रहण का मोक्ष होगा, अर्थात ये पूरा ग्रहण 1:19 का होगा, जो कि अगर देखा जाए कि ग्रहण काल 15 का ही होता है तो भी, या 10 का, 2 का, जहां कहीं भी जिस तरीके की गतिविधि उसकी तय होती है, अपनी प्रक्रिया के आधार पर वह हानियां लाभ दे देता है। तो ये तो फिर भी 1:19 का ग्रहण है, तो कहीं ना कहीं अपने परिणाम से हम लोगों को इंडिकेटिव फॉर्म में अटैच कर रहा है और ये एक अलार्म दे रहा है कि कोई समस्या उत्पन्न होने वाली है, क्योंकि सूर्य ग्रहण भी लग चुका है इस महीने और चंद्र ग्रहण भी लगने वाला है, जो कि वैश्विक स्तर पे आप लोग देख भी सकते हैं कि समस्याएं हैं और मन सबका लगभग किसी ना किसी तरीके से द्वंद्व में फंसा हुआ है। युद्ध की स्थिति है, भूकंप के झटके तो आप देख ही रही होंगी, दिल्ली में रेगुलर आ रहे हैं। इसके उपरांत तो बहुत सारी चीजें जो कि प्राकृतिक अवस्था में भी हम चेंजेस देख रहे हैं, मौसम में बदलाव और मौसम की समस्त गतिविधियों में निरंतर परिवर्तन, भूस्खलन वगैरह की घटना आम हो गई है, जबकि ये कहा जा सकता है कि ये खगोलीय प्रक्रिया के आधार पर परिवर्तन है, लेकिन ये परिवर्तन इनके माध्यम से जाना जा सकता है, समझा जा सकता है। इन विषयों पर प्रकाश डालने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर।